हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी मेंटो। आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में आप बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और यहां पर डिजिटल लॉजिक में जस्ट आज के लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूं कि डिजिटल लॉजिक में आपको क्या क्या स्टडी करना है, डिजिटल लॉजिक का बेसिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो जो अभी प्रेजेंट है वो लाइक कर दो वीडियो को ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग अच्छे से अटेंड कर रहे हो क्लास। तो यहां पर आप ध्यान से आप देखो, जो आपका डिजिटल लॉजिक है ना, तो डिजिटल लॉजिक में हमें यहां पर कौन कौन से कंसेप्ट स्टडी करने हैं। तो बेसिकली हमें यहां पर बुलियन अलजेब्रा स्टडी करना है, हमें यहां पर कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टडी करना है, सिक्वेंशियल सर्किट स्टडी करना है। तो ये आपके तीन टॉपिक है। उसके बाद हमें नंबर सिस्टम स्टडी करना है। तो हर एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब हमें इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्कस करनी है। तो आज के लेक्चर से हाय चरण, तो आज के लेक्चर से हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली बुलियन अलजेब्रा से। तो बेसिकली आज मैं ना आपके सामने बुलियन अलजेब्रा के जो बेसिक कंसेप्ट है वो रखूंगा। हम लोग बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा के। तो डिजिटल लॉजिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ना कुछ बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद बुलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट को हम डेप्थ में आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं बेसिक्स का। तो आपको कुछ चीजें जो स्टार्ट से पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 0 × 0 क्या होता है आपका 0, 0 × 1 आपका क्या होता है 0, 1 × 0 क्या होता है 0, और 1 × 1 आपका क्या होता है 1। ये सिंपली आपका क्या होता है एंड ऑपरेशन, जो आपको पता है बस रिवीजन के लिए। और यहां पर अभी हम एंड गेट स्टडी नहीं कर रहे हैं, एंड गेट तो हम बाद में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए जस्ट मैं रिवीजन करवा रहा हूं। वैसे ही अगर मैं और ऑपरेशन की बात करूं, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1। तो ये आपका सिंपली और ऑपरेशन होता है कि अगर आपका कोई भी एक 1 होता है तो आपका आंसर क्या रहता है यहां पर 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन हो गया, हमें बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाद में हम डिटेल में इन सारे गेट्स को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बुलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं जो आपको स्टार्ट से पता होना चाहिए, वो आपका क्या रहेगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि आप a इंटू ए परफॉर्म करते हो, a इंटू ए, तो a इंटू ए कितना होगा आपका, लेट्स सपोज अगर आपका a 0 है तो 0 × 0 कितना होता है 0, और अगर आपका a 1 है तो 1 × 1 कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर सिंपल सा लॉजिक है कि आपका a इंटू ए ऑलवेज किसके इक्वल होता है आपका a के, मतलब अगर a 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, a 1 होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये चीज हमें जानना क्यों जरूरी है, कल को a into a into a कितनी बार भी क्यों ना हो, आप सिंपली उसको क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, क्योंकि ना हमें जो पहला टॉपिक स्टडी करना है वो करना है बुलियन अलजेब्रा में इक्वेशन का मिनिमाइजेशन, और उन सब चीजों के लिए हमें ये बेसिक नॉलेज स्टार्ट से ही रहना चाहिए। तो यहां पर इसका यूज आप कैसे करोगे, लेट सपोज आपको कोई टर्म दिखाई दिया ए बी सी इंटू ए बी सी, तो उसको आप एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर सकते हो एबीसी से, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है अच्छे से। वैसे ही अगर यहां पर मैं आपको बताऊं ए प्लस ए, तो 0 + 0 = 0 ही होता है, और 1 + 1 = 1 ही होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ए ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से कल को अगर आपको एबीसी प्लस एबीसी दिखाई दिया तो उसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, उसको आप सिंपली यहां पर एबीसी ही लिख सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आपको ये सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक कंसेप्ट आपको आइडिया रहना चाहिए कि आपको किस तरीके से यहां पर यूज करने हैं। वैसे अगर मैं आपको एक और बेसिक कंसेप्ट बताऊं, तो जैसे कि अगर आप करते हो a प्लस a बार, तो a प्लस a बार आपका क्या होगा, आप खुद सोच के देखो, अगर a 1 है तो a बार क्या होगा 0, और अगर a 0 है तो a बार क्या होगा 1 होगा, और अगर कोई भी एक 1 रहता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहां पर 1 हो जाता है। सिंपली वैसी अगर मैं मेंशन करूं a इंटू a बार का, तो a इंटू a बार आपका क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, कोई भी एक 0 रहे अगर एंड ऑपरेशन में, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 0 रह जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं, इसके अलावा अगर एक और पॉइंट भी है जो आप नोट कर सकते हो, जैसे मान के चलो अगर आपका 1 + a + b + c होता है, मतलब यहां पर बताने का मतलब क्या आपको, कि अगर 1 के साथ 1000 टर्म भी हो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर और ऑपरेशन में कोई एक वैल्यू भी 1 हो गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 1 ही हो जाएगा। तो ये सारा नॉलेज आपको रहना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है?
तो बेसिक एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये मैंने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, ये जस्ट मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं स्टार्ट करने से पहले। ये नॉलेज रहना चाहिए, किसी भी टर्म को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो उसको सिर्फ आप एक बार लिख सकते हो, कितनी बार भी ऐड करो उसको भी सिर्फ आप एक बार लिख सकते हो, और इसके अलावा a प्लस a बार ऑलवेज 1 होगा, a इनटू a बार ऑलवेज क्या होगा आपका 0 होगा, और 1 के साथ प्लस में कितने भी टर्म क्यों ना आ जाए ऑलवेज आपका आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये बेसिक नॉलेज आपको ऑलवेज रखना है अपने माइंड में, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। और देखो एक काम और हम लोग करेंगे लेक्चर्स में, अभी हम लोग क्या करेंगे, आप जितना नोट कर सकते हो आप करते जाओ, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि आपने नोट नहीं कर पाए हो, आपको और अच्छे से नोट करना था, या बाद में नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि मैं कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के बाद थोड़ा सा मूव कर जाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो चीजों का, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक कंसेप्ट। अब इस बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग यहां पर अब आगे बढ़ेंगे, मतलब अपना सिलेबस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बोला आज का जो हमारा सिलेबस होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजेब्रा के मिनिमाइजेशन से, ठीक है। तो हमें यहां पर बुलियन इक्वेशन का मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़नी है, वहीं से हम अपना सिलेबस यहां पर स्टार्ट करेंगे, क्लियर पॉइंट। तो अब आप यहां ध्यान से अंडरस्टैंड करते चलो। देखो जो ना डिजिटल का जो पहला टॉपिक है ना जो हम लोग टीच करेंगे, हम लोग जो स्टडी करेंगे बुलियन अलजेब्रा का जो मिनिमाइजेशन है, बुलियन इक्वेशन का जो मिनिमाइजेशन है आपका, उसमें ना आपको ज्यादा थ्योरी नहीं है बहुत ज्यादा। अगर आप बोलोगे बहुत सारी थ्योरी पढ़नी, तो ऐसा नहीं है, आप जो थ्योरी पढ़ोगे भी ना वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हुए ही पढ़ोगे। आपका टारगेट यहां पर ये रहेगा कि आप बुलियन इक्वेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, या आप लर्न कर पाओ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू। आगे जब हम पहुंचेंगे लॉजिक गेट्स में, पीओएस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में, कॉम्बिनेशन में, सिक्वेंशियल में, तो वहां पर आप देखोगे बहुत सारी थ्योरी भी होगी स्टार्ट में, लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसी के थ्रू कुछ थ्योरम्स भी आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि जो नोट्स है ना आप अपने वर्ड्स में, मतलब आपको नोट्स और मिल जाएंगे वो एक अलग सेपरेट इशू है, लेकिन आप अपने वर्ड्स में नोट्स जो है वो जरूर बनाना, ठीक है। मैं टाइम थोड़ा बहुत दूंगा और उसके बाद भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाऊंगा, ठीक है। अपने वर्ड्स में जो आप नोट्स बनाते हो ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये ऑलवेज ध्यान रखना, जो आप अंडरस्टैंड करते हो। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला हम लोग को बुलियन इक्वेशन का यहां पर मिनिमाइजेशन स्टडी करना है स्टार्टिंग से, तो यहां पर मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ना हम अपने रूल्स बनाएंगे, तो जो हम अपने रूल्स बनाएंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ही बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, लेट सपोज आपको यहां पर मेंशन है ए बी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, लेट सपोज आपको यहां पर ये मेंशन है। तो देखो जैसा मैंने बोला हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, कोई रटेंगे नहीं बुक से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो हमारा रूल क्या होना चाहिए। अगर हमें मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बिल्कुल पक्की बात है मिनिमाइजेशन का, तो हमारा रूल क्या रहना चाहिए, हमारा रूल ये रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये करना है कि कॉमन ढूंढना है। आपको सबसे पहले यहां पर कॉमन ढूंढना है, दो दो टर्म को उठाओ, तीन तीन टर्म को उठाओ, देखो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। सबसे पहले दो दो टर्म को लेकर देखा करो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले अपना थंब रूल यही बना लो, ठीक है। तो अगर आपका कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले आप कॉमन ले लो, तो क्या कहीं से भी कुछ कॉमन निकल कर आ रहा है हमारे लिए, तो यस। आप इन दो टर्म को अगर देखते हो तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका जो ए बी का बार है वो कॉमन आ रहा है, और मैंने अभी अभी क्लास के स्टार्ट में आपको क्या पढ़ाया है कि सी प्लस सी बार कितना होता है 1 होता है, ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है 1, ये मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ा दिया आज। तो आप देखो यहां पर कॉमन लेने के कारण हमें ए बी बार मिला, फिर देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन आ रहा है, बी प्लस बी बार क्या होता है आपका फिर से 1 होता है। पॉइंट समझ में आया। तो देखो ये मैंने बहुत सिंपल प्रॉब्लम ली है, हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम कभी ना एग्जाम में। पॉइंट क्या है कि आपको अपने रूल्स बनाने हैं। तो रूल नंबर 1 आपका क्या बनकर आया कि सबसे पहले आप ये देखो कि आप क्या कॉमन निकाल सकते हो दो दो टर्म का यूज करके, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या होगा, देखो जैसे कि मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं y a, b, c, लेट सपोज मैं ऐसा कुछ लेता हूं ए बी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए b
बी बार सी बार के साथ डी ले लेता हूं मैं यहां पर, और यहां पर ए बी सी बार ले लेता हूं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, मैंने बस ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहां से मैं कुछ सीखने को मिले, बस सिंपल सा लॉजिक ये है। तो ये जो मैंने अब क्वेश्चन क्रिएट किया है, अगर मैं इसे अब ध्यान से ऑब्जर्व करूं इस प्रॉब्लम को, तो आप देखो यहां पर इस प्रॉब्लम में ए बी बार है, ए बी बार सी बार डी है और ए बी सी बार है। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपको थंब रूल ये बना लेना है कि क्या आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। अगर आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो आपकी बात बन गई वहां पर, उसके आगे फिर देखेंगे जो होगा। तो आप देखो यहां से ए बी बार इन दोनों से कॉमन आ रहा है स्टार्ट के दो से, ये एक सिचुएशन आपकी निकल कर आएगी और ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। क्यों? देखो आप ध्यान से, मैंने आज क्लास के स्टार्ट में आपको क्या पढ़ाया है, मैंने क्या बोला है, वन के साथ प्लस में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, आंसर क्या होगा आपका, वन ही होगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ए बी बार प्लस ए बी सी बार, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। वन के साथ कुछ भी हो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऑपरेशन में अगर कोई एक वैल्यू भी वन हो गई तो ऑलवेज आंसर क्या होता है आपका, वन ही रहता है, क्लियर। सो यहां पर आपने ये काम कर लिया, उसके बाद देखो क्या कुछ और कॉमन आ रहा है क्या। तो आप देखो अब आपका कॉमन आएगा ए, तो अब जो हमने ए कॉमन लिया है ना, उसके बाद फिर हम अटक गए, हम यहां पर अब आगे कैसे बढ़े हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, आपको यहां पर ये रूल बनाना है। अब नया रूल आपको क्या बनाना है, पहले तो मेरी एक पॉइंट समझ लेना, उसके बाद मैं रूल बताऊंगा आपको। पॉइंट आपका यह है कि एग्जाम में ना, जब ये बुलियन अलजेब्रा में बुलियन इक्वेशन का जब मिनिमाइजेशन आता है, तो चार ऑप्शन आपको देता है। ये बात ध्यान से समझ लेना कि हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चार में से सिर्फ एक ऑप्शन सही हो। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन 10 स्टेप में सॉल्व होने वाला है, तो हो सकता है एक ऑप्शन चौथा स्टेप हो, एक ऑप्शन पांचवा स्टेप हो, एक ऑप्शन आठवा स्टेप हो, और एक ऑप्शन आपका लास्ट 10th स्टेप हो। मतलब फाइनल आंसर जो सबसे मिनिमाइज पॉसिबल आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है आपका एक ऑप्शन ये वाला भी हो हमारे फाइनल आंसर में, और हो सकता है कि यहां पे एक और स्टेप यहां पर बन सकता है और वो ऑप्शन हो, और वो ऑप्शन फिर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो सबसे मिनिमाइज आंसर होगा। ये बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है कि अगर आप यहां पे रुक गए तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे मिनिमाइज आंसर निकालना आना चाहिए। तो यहां पर अब हम चलते हैं अपने सेकेंड चीज की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे, आप बोल सकते हो डिजिटल लॉजिक में, वो है आपका ट्रांसपोजिशन थ्योरम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुलियन अलजेब्रा में तो कुछ नहीं है, लेकिन पूरे डिजिटल लॉजिक में भी आप बोल सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंस है इस थ्योरम की। लगातार आप देखोगे सिलेबस में ये यूज होता चला जाएगा। अभी मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करानी है तो मैं ये प्रॉब्लम हटा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको साइड में बता रहा हूं ट्रांसपोजिशन। तो आप देखो ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या होता है, ए प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी सी। अभी मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं, प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देखो मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको, फिर मैं यूज आपको सिखाऊंगा। इसका यूज अगर आप सीख गए ना, तो गारंटी मानो बुलियन इक्वेशन में जो क्वेश्चन आएगा एक, वो बना ही ले जाओगे आप, ठीक है। तो यहां पर आप देखो प्रूफ अगर करें तो ए इंटू ए, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू सी, मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं, फिर क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो आप देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, ए इंटू ए किसके इक्वल होता है हमारा ए के, तो यहां पर कितना हो जाएगा ए, फिर यहां पर देखो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया है कि वन के साथ प्लस में कितने भी टर्म आ जाए आंसर क्या होता है, वन। तो देखो यहां पे एक खास बात दिख रही है, ए ए ए, तो अगर आप यहां से ए कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, वन प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी। तो वन के साथ प्लस में कुछ भी आए आंसर वन होगा, तो आपका आंसर यहां पर क्या निकल कर आएगा, ए प्लस बी सी। तो चूंकि आपका आंसर यहां पर ए प्लस बी सी निकल कर आ रहा है, आपका आंसर चूंकि यहां पर ए प्लस बी सी निकल कर आ रहा है, तो आपने यहां पे प्रूफ कर लिया, आप देख लो यहां पर, ठीक है। तो अगर हमें बेसिक्स पता होंगे ना, जो मैंने आज आपको स्टार्ट के 5 to 10 मिनट्स में बताए हैं, बस वो बेसिक्स आप ध्यान में रखो, उसके बाद ये सारी चीजें आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो यहीं से अब हम अपने सेकेंड थ्योरम या सेकेंड रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपका ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम है ना। पहला रूल हमारा क्या है, कॉमन लेना। सबसे पहले तो हम कॉमन लेकर देखेंगे, फिर उसके बाद अगर हमारी बात नहीं बनेगी, आप सीक्वेंस को ध्यान में रखना, ये थंब रूल आप अपने माइंड में रखना, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे।
अगर कॉमन लेने से बात नहीं बन पा रही है, लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। बस ये पॉइंट आप नोट कर लो। देखो इसको यूज कैसे करना है। इसको आप लेफ्ट साइड से भी यूज कर सकते हो, राइट साइड से भी यूज कर सकते हो। एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, किसी भी साइड से यूज करो, वेरिएबल के नाम को रटने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो अगर आप राइट साइड से यूज करते हो तो आपको यह देखना है कि 1 प्लस 2 का फॉर्म आपको दिखाई देना चाहिए। 1 प्लस 2 का फॉर्म का मतलब क्या है? 1 वेरिएबल प्लस 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 प्लस 2 का अगर फॉर्म दिखाई देता है, चाहे वेरिएबल के नाम कुछ भी हो, चाहे वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट हो, वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यहां पर 1 प्लस 2 का फॉर्म दिखाई देगा तो आप अपनी सिचुएशन बना सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस 2 का फॉर्म दिखाई देगा तो क्या लिखोगे? 1 प्लस सेकेंड, 1 प्लस थर्ड, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये आपका यहां पर आंसर बनकर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया अच्छे से? तो यहां पर अब आप देखो, जैसा मैंने आपको बोला 1 प्लस 2 का फॉर्म देखना है, तो देखो यहां पर 1 प्लस 2 का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला ना, वेरिएबल के नाम पे मत जाओ, वेरिएबल में बार है, कॉम्प्लीमेंट है कि नॉर्मल फॉर्म में है, उस पर मत जाओ, सिर्फ आप 1 प्लस 2 के फॉर्म में जाओ। तो अगर आप 1 प्लस 2 के फॉर्म में जाते हो तो देखो ये 1 प्लस 2 का फॉर्म मिल रहा है, तो आंसर क्या है? 1 प्लस सेकेंड इंटू 1 प्लस थर्ड। तो आपका आंसर यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा? आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा बी बार प्लस बी, 1 प्लस सेकेंड, 1 प्लस थर्ड। तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो b बार प्लस b कितना होता है? 1। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी बार प्लस ए सी बार। तो आप देख सकते हो आपका ये फाइनल आंसर नहीं था, आपका ये फाइनल आंसर होगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है? सबके सब एक बार ऑब्जर्व करो, देखो यहां पर कि क्या आप लोगों को ट्रांसपोजिशन थ्योरम का यूज क्लियर हो पाया इस साइड से। अभी इस साइड से मैंने नहीं बताया, ये वाली प्रॉब्लम भी करवा दूंगा, लेकिन क्या उस साइड से आप लोग को क्लियर हुआ? जो अभी अभी लाइव आए हैं उन सबको भी क्लियर हुआ, और जो अभी लाइव आए हैं सबको हेलो, ठीक है? तो बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कोई बुकिश लैंग्वेज में यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल हमारी लैंग्वेज होगी, बस हम इसी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ना आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीजें क्लियर रहे, ठीक है? तो अब यहां पर जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन थ्योरम तो स्टडी कर लिया, एक थ्योरम हमारे पास हो गया और एक रूल भी हम लोगों ने बना लिया कि सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। अब अगर मैं प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम लूं आपके पास, तो वाई पी कॉमा क्यू कॉमा आर, यहां पर अगर लेट सपोज मैं लेता हूं पी प्लस क्यू बार प्लस आर, और यहां पर मैं ले लेता हूं पी प्लस क्यू प्लस आर बार, और यहां पर मैं ले लेता हूं पी प्लस क्यू बार प्लस आर बार, ठीक है? तो यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम कंसीडर की है। अब आप ऐसा मान के चलो, जो जो अभी लाइव हो या जो बाद में वीडियो देखेंगे, ऐसा मान के चलो कि आपको ये पहला क्वेश्चन मैंने बस क्लास में घुसते ही दे दिया, ठीक है? आपने बस क्लास में आप आए और मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? अभी आपको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, हल्का फुल्का नॉलेज है डिजिटल लॉजिक का। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे, मैं भी लाइक अ स्टूडेंट देखूं और मुझे ऐसा लगे कि मुझे भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे अभी कोई थ्योरम व्योरम कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हमारे माइंड में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? कोई बता सकता है चैट सेशन में कि हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? मतलब अभी आप जो जानते हो उसके बारे में मत सोचो, मतलब कि अभी आज की क्लास में जो सीखे हो, अगर मान लो कुछ नहीं जानते हो तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होती है यहां पर? सबसे पहली हमारी अप्रोच यही होती ना कि हम इसका क्या कर देते, मल्टीप्लाई। ये सबसे नॉर्मल अप्रोच होती है। अगर हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज ना हो तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप एक बात समझो, अगर हम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना सारे टर्म हो जाएंगे, तीन तीन तीन, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे, फिर उनको पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है लिपिका? सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसा मैंने बोला, ठीक है? तो यहां पर जब हम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ना हमें ये सब नहीं करना है, हमें ना ऑलवेज जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, जैसे मैंने बोला पहला तो आप कॉमन लेने के बारे में सोचो, लेकिन कॉमन का तो यहां पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऑलवेज थिंक अबाउट ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन आपके दिमाग में आना चाहिए, ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? इसका इस्तेमाल अगर आप सीख गए तो आप सब कुछ कर जाओगे। तो आप देखो,
अगर आप देखोगे तो यहां पर ब्रैकेट्स बने हुए हैं आपके, जैसे यहां पर भी इस तरफ ब्रैकेट्स बने हुए हैं। तो देखो यहां पर अगर आप ब्रैकेट्स को देखोगे ना, तो आपका यहां पर ए कॉमन है, नाम में कुछ नहीं रखा है लेकिन एक वेरिएबल कॉमन है, तो कॉमन प्लस बी कॉमन प्लस सी ऐसा है आपका। तो ऑलवेज आपको दो दो वेरिएबल को, पांच पांच वेरिएबल को भी एक एक वेरिएबल मानना आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप देखो यहां पर अगर मैं लेट सपोज ये टर्म और ये टर्म कंसीडर करूं, ठीक है, तो आप देखो दोनों ही टर्म में p प्लस q बार कॉमन है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको इस तरफ से यूज करना सिखा रहा हूं। तो देखो दोनों में ही p प्लस q बार कॉमन है, तो इसको आप क्या मान लोगे, a, इसको आप मान लोगे b, ये आपका a है और ये क्या हो जाएगा c। तो a प्लस b a प्लस c कितना होता है, a प्लस b c, ठीक है। ये अभी वैसी का वैसी है, तो यहां पर देखो ये जो वैसी का वैसी है उसको वैसी का वैसी लिख देते हैं। तो देखो a जो a है हमारा, फिर क्या लिखना है हमें, प्लस b इंटू सी, आप देख सकते हो यहां पर, तो कितना हो जाएगा प्लस r इंटू r बार। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो r इंटू r बार, मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट में a इंटू a बार किसके इक्वल होता है, जीरो। तो कितना हो जाएगा p प्लस q बार, और यहां पर क्या होगा p प्लस q प्लस r बार। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? तो यहां पर अब आप अंडरस्टैंड करो, देखो यहां पर क्या अब आपको ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, क्या अब हमें ब्रैकेट ओपन करना चाहिए कि अब आपकी बात डायरेक्ट बन जाएगी? सोच कर देखो, क्या अभी भी आप यहां पे ट्रांसपोजिशन अप्लाई करोगे या अब आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे तो इजी पड़ेगा? ये आपके माइंड में आना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो अभी भी हमें ब्रैकेट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी देखो दोनों ब्रैकेट में P और P कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करो, यहां पर इसको मान लो A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो A प्लस B A प्लस C कितना होता है, A प्लस B C। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, P A फिर क्या हो जाएगा B फिर क्या हो जाएगा C। तो यहां से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, P Q इंटू क्यू बार जीरो फिर Q बार आ, ये आपकी यहां पर पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, अगर कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बहुत अच्छे से देख लो इसको। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम जो मैंने आपको बोला भी है कि लगातार थ्रू आउट द सिलेबस आपका यूज होता चला जाएगा, तो हमने बस अभी लर्न किया है, अभी इसके क्वेश्चन कोई फिनिश नहीं हुए तो चलते चले जाएंगे। तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब हम यहां पर नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आपको स्टार्ट से ही नॉलेज होना चाहिए, वो है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। बेसिकली इस थ्योरम में आप क्या स्टडी करते हो, आप ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका एबीसी का होल बार अगर आपको अचीव करना है, एबीसी का होल बार, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, या अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल बार करना है तो आप क्या कर सकते हो, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का होल बार लेना है तो आप इंडिविजुअल बार का एडिशन कर लो, अगर आपको एडिशन का होल बार लेना है तो आप इंडिविजुअल बार का क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लो, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हो पा रहा है अच्छे से? तो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसके लिए भी, तो आप ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम सबको सॉल्व करके देखनी है, ठीक है, जो अभी लाइव है सबको सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। लेट सपोज मैं यहां पर मेंशन करता हूं आपके लिए पी क्यू आर एस, तो पी क्यू प्लस पी क्यू का बार आर एस, ठीक है। आप लोग इस प्रॉब्लम को मुझे बताओ मिनिमाइज करके आंसर क्या आएगा। मैंने आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में बताया है, ये थ्योरम भी बहुत यूजफुल रहेगा जैसा हमारा ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है, एक एग्जांपल दिया है। अभी डी मॉर्गन्स को हम और एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसका यूज देखेंगे, लेकिन जो अभी आपका एग्जांपल है उसको आप मुझे बताओ कि यहां पर आप क्या कर सकते हो मिनिमाइज करके, आपका आंसर यहां पर क्या आएगा। देखो यहां पर पॉइंट क्या होता है हमारा, कि यहां पर हमें होल बार दिखाई दे रहा है,
और मैंने भी आपको प्रॉब्लम डी मॉर्गन्स के बाद ही दी है, तो बहुत लोग ये भी कर सकते हैं, या आंसर ये भी निकल कर आता है देखो होल बार देखकर कि हम इसे पी बार प्लस क्यू बार कर लें बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी बार आर एस प्लस क्यू बार आर एस। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे इसे, तो आप देखो यहां पर ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका सॉल्यूशन है आपके अकॉर्डिंग, लेट सपोज। तो यहां पर ये मिनिमाइज हुआ कि और एक्सपांड हो गया एक्चुअल में। तो आप ये समझो कि होल बार दिखने का मतलब ही ये नहीं होगा कि आप डी मॉर्गन के बारे में सोचो, मतलब आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कब डी मॉर्गन अप्लाई करना है कब नहीं करना है। यहां पर अगर आप डी मॉर्गन लगाते हो इस पोजीशन पे तो आपका और एक्सपांशन हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला है अपनी प्रायोरिटीज सेट रखो, अपनी प्रायोरिटीज ऐसी बना के चलो कि पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका ये रहेगा कि आप कॉमन लेना देखो बूलियन इक्वेशंस को सॉल्व करते समय। दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा कि आप यहां पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम अप्लाई करो। और तीसरा टारगेट जो है आपका वो ये रहेगा कि फिर आप डी मॉर्गन के बारे में सोचो। लेकिन यहां पर जैसा मैंने बोला कि कॉमन लेने का चलो कोई सवाल नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आप यहां पे ट्रांसपोजिशन अप्लाई करने के बारे में नहीं सोच सकते थे? जैसे मैंने बोला ट्रांसपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्रांसपोजिशन के बारे में यहां पर ऑलवेज थिंक कर सकते थे। तो अगर आप यहां पर ट्रांसपोजिशन के बारे में थिंक करते तो आप ध्यान से देखो ये सिचुएशन क्या है, वन प्लस टू की सिचुएशन है। आप यहां पर वन प्लस टू की सिचुएशन अप्लाई कर सकते थे। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है अच्छे से? देखो वन प्लस टू कितना आंसर होता है, वन प्लस सेकेंड, वन प्लस थर्ड। तो पहले ट्रांसपोजिशन के बारे में ऑलवेज सोचना ही है, उसके बाद कोई और थ्योरम आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है, ठीक है? तो यहां पर आंसर क्या होगा, देखो वन प्लस सेकेंड मतलब पी क्यू प्लस पी क्यू का बार, और फिर वन प्लस थर्ड मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर एस, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो देखो यहां से आंसर क्या आया हमारा, ए प्लस ए बार पी क्यू प्लस पी क्यू का बार कितना होता है, वन। तो आपका आंसर हो जाएगा पी क्यू प्लस आर एस। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? तो इस तरीके से हम ये आंसर यहां पर अचीव कर सकते हैं। देख लो अच्छे से, किसी को डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर रखना है चीजों को। और जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको ट्रांसपोजिशन जो थ्योरम है वो यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, इसी कारण मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करवा रहा हूं आपको। अभी मैं डी मॉर्गन पे भी क्वेश्चन करवा दूंगा, और डी मॉर्गन भी आप देखोगे लगातार थ्रू आउट द सिलेबस आपका यूज होता चला जाएगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब यहां पर मैं पहले आपको डी मॉर्गन पे एक प्रॉब्लम करवा देता हूं, और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, एक प्रॉब्लम मैं कंसीडर कर रहा हूं, f ऑफ p कॉमा क्यू इज इक्वल टू p बार प्लस क्यू। तो आपको यहां अचीव करना है f ऑफ x कॉमा y, और यहां पर आप इस तरीके से ले सकते हो कॉमा y, ये लेट सपोज करो आपका यहां पर एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को देखते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है जो आपको कैलकुलेट करना है, ये आपकी सिचुएशन है जो आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, और ये आपको यहां पर गिवन है, ठीक है? तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है जो हमें यहां पर सॉल्व करनी है। तो आप देखोगे यहां पर कि प्रॉब्लम को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को, और साथ ही साथ आप देखोगे ट्रांसपोजिशन भी थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आप उतना ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगे इस प्रॉब्लम से, अब यहां से आप अचीव कर पाओगे। तो आप देखोगे इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रांसपोजिशन का यूज क्या है, ये भी हम यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, क्योंकि फंक्शन एफ है उसमें पी और क्यू, बेसिकली जो फंक्शन एफ है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, पी पे और क्यू पे। तो उसका आंसर क्या है, पहले वेरिएबल का बार प्लस क्यू प्लस दूसरा वेरिएबल। तो आप देखो यहां पर आपको वही फंक्शन गिवन है, एफ ही गिवन है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है। तो अगर आपको ये बाहर वाला एफ सॉल्व करना है तो बाहर वाले एफ के लिए पहला वेरिएबल ये होगा, दूसरा वेरिएबल ये होगा। जैसे इस वाले एफ के लिए
पहला पी था दूसरा क्यू था, तो वैसे ही इस वाले एफ के लिए पहला वेरिएबल ये होगा, पहला दूसरा वेरिएबल ये होगा। तो पहले आपको ये पहला वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा फिर अंदर वाला। तो अगर आप पहले पहला वेरिएबल सॉल्व करने के लिए जाओ, क्योंकि पहला वेरिएबल भी इटसेल्फ आपका एफ ही है, एफ के फॉर्म में ही है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आपका पहला वेरिएबल कौन सा है, एक्स प्लस वाई है, और दूसरा वेरिएबल क्या है आपका, वाई है। तो देखो जब एफ में फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल होता है तो आंसर क्या आता है, पहले वेरिएबल का बार प्लस दूसरा वेरिएबल। पॉइंट क्लियर, इसी तरीके से हमें आइडिया लेना चाहिए बस। तो आप देखो यहां पर आंसर क्या होगा, पहले वेरिएबल का बार प्लस दूसरा वेरिएबल, आप देख सकते हो पहले का बार प्लस दूसरा, ये अंदर वाला एफ हमारा सॉल्व हो गया। जैसे ही अंदर वाला एफ सॉल्व हुआ, अब ये आपका पहला वेरिएबल है, ये आपका दूसरा वेरिएबल है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, फिर से पहले वेरिएबल का बार मतलब ये प्लस दूसरा वेरिएबल, आप देख लो ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट अच्छे से। तो हमें सॉल्व तो इसको करना था, तो उसके लिए पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ा, और ये किस लिए था, ये हमारे आईडीए के लिए था, ये हमारे लिए था, ये हमारे सपोर्ट के लिए था, बेसिकली इसका यूज करके, इसको देख देख के हमने ये सारी चीजें लिखी हैं। पॉइंट समझ में आया। तो यहां से आप देखो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके दो टर्म है, तो मैंने आपको क्या बोला था, ए प्लस बी का बार क्या होता है, ए बार इंटू बी बार, तो यहां पे क्या लिखोगे, इसका बार और प्लस को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, डॉट में, और इसका बार, तो जब इसका बार करोगे तो ये ऑलरेडी बार है, तो बार का बार क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहां पर प्लस कन्वर्ट होगा आपका डॉट में, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, वाई का बार। पॉइंट समझ में आया, और प्लस वाई आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर हुआ लॉजिक अच्छे से। और यहां पर अब अगर आप देखोगे तो एक्स वाई बार, वाई इंटू वाई बार कितना होगा आपका, जीरो हो जाएगा, और आंसर क्या बचेगा आपका, वाई बच जाएगा। इसको अब आप यहां पर अच्छे से देख सकते हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से वॉच कर लो कि हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप देख सकते हो यहां पर ये फर्स्ट था, यहां पर ये सेकंड था, तो पहले हमने ये निकाल लिया, उसके बाद फिर अगेन इसका बार प्लस ये, तो यहां पर हमने डी मॉर्गन देखा, अप्लाई किया डी मॉर्गन, तो यहां पर कितना हो गया, बार का बार कैंसल, फिर ये डॉट वाई बार। सबको सिचुएशन क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स और ट्रांसपोजिशन जो हमने अभी बस लर्न किए हैं, इनका यूज हम लगातार देखते चले जाएंगे आगे। इनको लर्न करने के बाद अब जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है, जो आपको आइडिया होना चाहिए फर्स्ट लेक्चर से ही, वो आपका है कंसेंसस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए, तो ये आपका क्या होता है, बेसिकली कंसेंसस थ्योरम। तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो इस थ्योरम के बारे में भी। देखो लेट सपोज आपको यहां पर, लेकिन हां मैं इस थ्योरम को पढ़ाने से पहले ही आपको बोल दूं कि इस थ्योरम का वो यूज नहीं है जो आपका ट्रांसपोजिशन और डी मॉर्गन का था, मतलब वो तो लगातार यूज होंगे, ये थ्योरम सिर्फ आप अभी पढ़ो समझो, इसका ज्यादा यूज आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपका कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और यहां पर ए में एक जगह बार है, ठीक है, तो आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। जैसा मैंने बोला स्टार्ट से, कोई मैं टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि आप अपने माइंड में रख पाओ आसानी से। तो आप देखो, आपको बस ये समझना है इस थ्योरम में कि आपका कोई आउटपुट वाई है जो कि तीन इनपुट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, बी पे और सी पे। लॉजिक क्लियर है। और जो ये आंसर है आपका, जो इक्वेशन है, बेसिकली जो तीन वेरिएबल है वो दो दो करके मल्टीप्लाइड है और सभी टर्म आपस में प्लस है, मतलब आपको ए बी दिखाई दे रहा है, बी सी दिखाई दे रहा है और ए सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन है आपकी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब उसमें क्या है आपका कि एक वेरिएबल सिर्फ ऐसा होगा, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो दो दो करके आपस में मल्टीप्लाइड है और तभी टर्म्स एड है, और सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा होगा जो नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी होगा। ओनली वन वेरिएबल ऐसा होगा जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों में अवेलेबल होगा। यह पॉइंट आपको क्लियर रखना है। बात समझ में आ गई। सिर्फ ऐसा आपका एक वेरिएबल होगा, तो उस सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा ए बी प्लस ए बार सी, मतलब आफ्टर मिनिमाइजेशन। आफ्टर मिनिमाइजेशन ये आंसर आएगा, मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा।
प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है आपका, तो इसको अगर मुझे ये लाना है तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। आप मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, पहले एक आंसर आप सोचो अपने मन में कि मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी चीज को वन से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू वन क्या होता है, एक्स ही होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, डिजिटल लॉजिक में बुलियन अलजेब्रा पढ़ते समय, बुलियन इक्वेशन पढ़ते समय, जब भी आपको किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हो तो ऑलवेज आप वन से मल्टीप्लाई करो। कोई एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई करनी है तो ऑलवेज वन के फॉर्म में करो, तब कभी गलत नहीं होगा आपका। तो यहां पर अगर मैं ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई करूं बीसी को, तो ए प्लस ए बार क्या होता है, वन ही होता है ना। तो वन से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो, ए बी ए बार सी ए बी सी प्लस ए बार बी सी। तो यहां पर सिचुएशन क्या आएगी, इन दोनों से ए बी कॉमन आएगा, तो वन प्लस सी किसके इक्वल होता है, वन के। मैंने बताया ना, कोई भी एक प्लस में वन आ गया तो आंसर वन ही रहेगा। फिर इन दोनों से देखो, ए बार सी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वन प्लस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर से वन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक और सवाल है आपके माइंड में, ये भी आ सकता है कि भाई यहां पर ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई किए, चलो प्रूफ देख लेने के बाद समझ में आता है कि हाँ करना जरूरी था, यहां से ए और ए बार था, यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सिचुएशन एडजस्ट हो गई, कॉमन निकाल के आंसर आ गया। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि क्या हमें अचानक से एग्जाम में ऐसा देखते ही क्लिक कर जाएगा कि हमें यहां पर ए प्लस ए बार से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं करेगा। ये फैक्ट है बिल्कुल, आपको नहीं करेगा। आपको कब क्लिक करेगा, आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, और उसके बाद पढ़ लेने के बाद आप खुद से भी बहुत सारी प्रॉब्लम करो, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तब क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसी हैबिट बन जाती है कि आप देख के समझ पाते हो कि हाँ यहां पर मुझे ये करना चाहिए या यहां पर वो करना चाहिए, तभी आपकी सिचुएशन बनेगी ऐसी। ये पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने प्रूफ किया, तो थ्योरम आपका सिर्फ इतना ही है, थ्योरम आपका यही है जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसका आंसर वही लोग दे पाएंगे जो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने होंगे जब मैंने ये पॉइंट बार बार बोला था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कोई प्रूफ नहीं करना है आपको, किसी को कोई प्रूफ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली यहां पर आंसर देने की कोशिश करनी है, जो मैंने लॉजिक समझाया था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, प्रूफ करने के लिए नहीं जाना है। जो लॉजिक मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो, यहां पर मुझे बताओ क्या आंसर होगा आपका, सबके सब बताओ। अगर आपने बहुत अच्छे से सुना है मेरा पॉइंट तो आप जरूर बता पाओगे। ऐसे बता दो, जैसे सपोज करो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, तो ऐसे बता दो आंसर में कौन कौन से टर्म रहेंगे। मतलब किसी ने भी ध्यान से नहीं सुना है इसको, मैंने क्या बोला था फिर से सुन लो, अच्छे से सुन लो। देखो मैंने ये बोला था कि तीन वेरिएबल होंगे टोटल, दो दो करके मल्टीप्लाई होंगे और सारे टर्म्स ऐड हो रहे होंगे, और सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा होगा जो नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी होगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो मैंने कभी यह नहीं बोला था कि ज्यादा कॉम्प्लीमेंटेड होंगे, ज्यादा नॉर्मल होंगे, मैंने सिर्फ यह बोला था कि एक ऐसा वेरिएबल होगा जो नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, और उसी वेरिएबल से एसोसिएटेड टर्म देखो यहां पर आए हुए हैं, ए बी ए बार सी, उसी वेरिएबल से एसोसिएटेड टर्म आपके यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ए बी बी सी ए सी वैसा ही पैटर्न है, और सिर्फ एक वेरिएबल है सी जो नॉर्मल फॉर्म में भी अवेलेबल है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, वैसा ऊपर ए था आपका, तो उसी वेरिएबल से रिलेटेड टर्म आपके आंसर में आएंगे। मतलब आंसर में क्या आएगा, बी बार सी बार प्लस ए बार सी, ये आपका यहां पर आंसर में आएगा। अब पॉइंट क्लियर हुआ, कंसेंसस थ्योरम क्लियर हो पाया आपको। तो जो कंसेंसस थ्योरम है ना, बेसिकली वो जब इसी तरह का पैटर्न रहेगा तभी यूजफुल है।
जबकि ट्रांसपोजिशन में या आप डी मॉर्गन्स पे देखोगे बहुत सारी सिचुएशन में कैसे ना कैसे करके वो यूजफुल हो जाते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड पैटर्न के लिए ही यूजफुल है। तो इतना ज्यादा आप इसका यूज नहीं देखोगे आगे आने वाले सिलेबस में जितना ट्रांसपोजिशन और डी मॉर्गन्स का देखोगे। पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है अच्छे से? और यहां पर एक और पॉइंट में अगर बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, इसका आंसर ए बी प्लस ए बार सी है, या यहां पर भी दो टर्म मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड टर्म है जो नहीं मिल रहा है उसके यहां पर रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब ये टर्म आपका क्या कहलाता है? रिडंडेंट टर्म कहलाता है। तो अगर किसी टर्म के रहने या ना रहने से आंसर में, देखो ये बात आपको समझनी होगी कि जो आज हम लोग मिनिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, जो हम लोग बुलियन इक्वेशन का मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका वाई है वो वाई ही रहेगा, मतलब आउटपुट आपको सेम मिलेगा। जो चीज आप पहले इतने सारे टर्म से कर रहे थे, आप इतने टर्म से आप कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी चीजों को लेस कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो इसका मतलब क्या है? जो आंसर y का यहां से मिलता वही आंसर y का यहां से भी मिलेगा। मतलब इस टर्म के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये टर्म क्या कहलाता है? आपका रिडंडेंट टर्म कहलाता है। तो ये सारी सिचुएशन भी आपको क्लियर रहनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया सबको? और मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर बता देता हूं इसी थ्योरम से रिलेटेड। देखो आप लोगों ने एक चीज तो सुन रखी होगी, एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, जो हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म को। काफी कुछ मैं आपको समझाऊंगा वहां पर, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया तो है हमें कि एसओपी फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, पीओएस फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो देखो ये आपका वैसे ही दिख रहा है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट टाइप का फॉर्म दिख रहा है आपको। तो चूंकि कंसेंसस थ्योरम अभी हम पढ़ रहे हैं, तो मैं बस आपको एक और लाइन बस बता देता हूं, वो आपकी सिचुएशन क्या है कि यहां पर जैसे ये एसओपी फॉर्म टाइप के फॉर्मेट के लिए वैलिड है, वैसे ये पीओएस के लिए भी एग्जैक्टली सेम वैलिड है। मतलब अगर यहां पर सिचुएशन आपकी ऐसी होती ए प्लस बी, ए बार प्लस सी और बी प्लस सी, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाता आपका? ए प्लस बी, ए बार प्लस सी। ठीक है, मतलब जो चीज आपकी इस तरह के फॉर्मेट के लिए वैलिड है, जहां पर चीजें आपस में एडिशन में थी, यहां पर टर्म्स आपके आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां पर भी देखो ए बी ए सी बी सी है और एक वेरिएबल ऐसा है जो नॉर्मल फॉर्म में भी है और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी, तो उसी से रिलेटेड टर्म्स यहां पर आपके आउटपुट में आ जाएंगे। तो वैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पीओएस फॉर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस मुझे यही आपको बताना था, जो हमने भी कंसेंसस थ्योरम पढ़ा, जो हमने यहां पर प्रूफ भी देखा और एक एग्जांपल भी देखा, सारी की सारी चीजें उस तरह के फॉर्मेट के लिए भी एग्जैक्टली आपकी वैलिड रहेंगी। ये पॉइंट आपको ना अच्छे से क्लियर रखना है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यहां पर मैं अब आपको ये तीनों थ्योरम पढ़ा देने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर हम अगली थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप एक क्वेश्चन कर लो। तो अब आप ध्यान से देखो प्रॉब्लम को। लेट सपोज आपको y गिवन है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड सो ऑन, इस तरीके से गिवन है a प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार ई एंड सो ऑन, ऐसा करके ये लगातार बस चलते चला जा रहा है। ये आपको यहां पर गिवन है y, y गिवन है और आपको इस इक्वेशन को अब मिनिमाइज करना है, ठीक है? ये प्रॉब्लम जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पर मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम कंसीडर करी है आपके लिए। तो आप ध्यान से अब देखो और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अब आप खुद से भी ट्राई करो। मैं थोड़ा सा 30 सेकेंड वेट करके प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना, आप लोग भी बनाना शुरू कर दो। किसी का भी अगर आंसर आ जाए तो चैट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है? तो अब आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर ना बहुत सारे टर्म्स है, कोई एंड ही नहीं। देखो डैश 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 करके मैंने लीव कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें ना इस तरह की प्रॉब्लम में सिमेट्रिसिटी पहचाननी आनी चाहिए। देखो एक सिमेट्रिकल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सिमेट्रिकल पैटर्न आपका क्या है? पहले ए है, फिर ए का बार इंटू बी है, फिर ए का बार बी का बार फिर सी है। मतलब हर एक टर्म में एक वेरिएबल नॉर्मल है आपका,
ठीक है, लगातार आपका बार जो है बढ़ता चला जा रहा है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो ए बार स्टार्ट हुआ है वो अब हर एक टर्म में आपको ए बार जरूर मिलेगा। तो यहां से अगर मैं ए बार को कॉमन ले लूं तो आपको क्या मिलता है, बी प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने आपको ट्रांसपोजिशन थ्योरम पढ़ाया था, ए प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला है ट्रांसपोजिशन थ्योरम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो, जहां कुछ भी ना समझ में आए उसको ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में चेंज कर लो। बस आप देखो यहां पर ये फर्स्ट टर्म सेकेंड और थर्ड, तो वन प्लस टू का फॉर्म क्या यहां जनरेट हो रहा है, यस वन सेकेंड और ये थर्ड। तो देखो यहां पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, वन प्लस सेकेंड वन प्लस थर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए प्लस ए बार मतलब वन प्लस सेकेंड फिर वन प्लस थर्ड, तो ए प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार डी एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो हमने क्या किया, वन प्लस सेकेंड किया फिर वन प्लस थर्ड कर लिया। अब यहां से देखो ए प्लस ए बार किसके इक्वल होता है, वन के, तो क्या बचेगा ए प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार डी प्लस बी बार सी बार डी बार ई एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से जो काम हमने अभी किया था उसी काम को फिर से रिपीट करते हैं। देखो ए प्लस बी करो और देखो अब सारे टर्म में बी बार कॉमन है, तो बी बार क्या बचेगा, सी प्लस सी बार डी प्लस सी बार डी बार ई एंड सो ऑन। तो यहां से अब अगर आप देखो फिर से ट्रांसपोजिशन के बारे में अगर थिंक करो, ये दोनों को बस सोचो, ये तो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया प्लस सेकेंड इंटू थर्ड। पॉइंट समझ में आया अच्छे से। तो देखो ट्रांसपोजिशन को मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर और नीचे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आप देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो वन प्लस टू का फॉर्म तो क्या आ जाएगा, यहां पर आपको क्या करना होगा, देखो सबसे बेस्ट तरीका वैसे ये रहेगा कि आप सिर्फ इतने को ही ले लो, मतलब इस ए को आप सेपरेट ही रहने दो और सिर्फ आप इसी को ही ले लो, जैसे इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकेंड और इसको ले लो थर्ड, ज्यादा इजी रहेगा करने के लिए। तो ए को ए ही रहने दो, तो देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कितना आंसर हो जाएगा बी प्लस बी बार, और यहां क्या बनेगा आपका बी प्लस सी बार डी प्लस सी बार डी बार ई। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। तो मैंने ए को सेपरेट ही रहने दिया, वन प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, तो वन प्लस सेकेंड वन प्लस थर्ड। तो यहां पर आप देखो फिर से सिचुएशन क्या बनी, ए प्लस बी, यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो बी प्लस बी बार है वो आपका वन हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना, आपका जो बी प्लस बी बार है वो आपका वन हो जाएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो ये आपका ए प्लस हुआ, फिर देखो ये वाला रिपीट कर रहा हूं मैं, तो बी प्लस सी बार डी प्लस सी बार डी बार ई एंड सो ऑन। क्लियर हो पा रहा है पॉइंट अच्छे से। तो आप देख सकते हो यहां पर हमने क्या किया, वन प्लस सेकेंड इंटू थर्ड किया, तो वन प्लस सेकेंड और वन प्लस थर्ड। तो आप देखो यहां पर बी प्लस बी बार वन हो गया, तो यहां पर आपकी सिचुएशन जो है वो कितनी आई, ए फिर आपका प्लस लगा हुआ है बी प्लस सी, ये आपका पूरा का पूरा रिपीट हो गया। तो अगर आप देखोगे आपने स्टार्ट कहां से किया था, आपने स्टार्ट किया था ए प्लस से। अब आप देखो दो बार सॉल्व करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी आ गया है, और फिर से देखो सेम पैटर्न है, आप इन पूरे टर्म से सी बार कॉमन ले सकते हो, जैसे आपने पहली बार में ए बार कॉमन लिया, फिर आपने बी बार कॉमन लिया, अब आप सी बार कॉमन ले सकते हो। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर निकल कर आएगा ना आपका, मैं अगर थोड़ा सा यहां पर हाईलाइट कर दूं तो ऐसा आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एंड सो ऑन, ये लगातार सॉल्व होता चला जाएगा आपका और आपको आंसर दे देगा। पॉइंट सबको समझ में आया। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ सकती है, आपको बस ट्रांसपोजिशन का सही यूज करना आना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोजिशन का सही यूज करना सीख गए ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम कर पाओगे बुलियन इक्वेशन से रिलेटेड, जैसा मैं स्टार्ट से आपको बोल रहा हूं बार बार। सबको सिचुएशन क्लियर हो पाई है अच्छे से। तो अब हम लोग आज का लेक्चर जो है वो यहीं स्टॉप कर रहे हैं। बेसिकली आज का फर्स्ट लेक्चर था, तो मेरा टारगेट यही था कि बस आपको बेसिक नॉलेज दे दूं डिजिटल लॉजिक का। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा और थ्योरिकल वे में एनालिसिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जस्ट मैंने मिनिमाइजेशन टेक्निक क्या हो सकती है उसका नॉलेज आपको दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म, लॉजिक गेट्स, इन सब का थ्योरिकल नॉलेज भी करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।